मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहां शास्त्रों में एक बहुत बड़ी बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, श्रम मूलम च वैभवम, श्रम मूलम च वैभवम। यानी किसी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आजादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है और उसके वैभव, उन्नति, प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति है। और इसलिए सामान्य नागरिक, शहर हो या गांव, उसकी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। मेहनत का समाज को जब सुविधाएं मिलती है, जीवन का संघर्ष, रोजमर्रा की मुसीबतें कम होती है, तो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति बहुत खिल उठती है, बड़े कमाल करके देती है। बीते 6 वर्षों में देश के मेहनतकश नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक विविध कामों का सिलसिला चलाया गया है, अनेक अभियान चलाए गए हैं। आप देखिए, बैंक खाता हो, पक्के घर की बात हो, इतनी बड़ी मात्रा में शौचालय बनाने हो, हर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाना हो, माताओं बहनों को धुएं से मुक्त करने के लिए गैस का कनेक्शन देना हो, गरीब से गरीब को बीमा सुरक्षा देने का प्रयास हो, 5 लाख रुपए तक अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना हो, राशन की दुकानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात हो, हर गरीब, हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ उसको लाभ पहुंचाने में पिछले 6 साल ने बहुत अच्छी तरह प्रगति की है। कोरोना के संकट में भी इन व्यवस्थाओं में बहुत मदद मिली है। इस दौरान करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचना, राशन कार्ड हो या न हो, 80 करोड़ से ज्यादा मेरे देशवासियों को उनके घर का चूल्हा जलता रहे, 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का काम हो, 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो, कुछ वर्ष पहले तो सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि दिल्ली 1 रुपया 1 रुपया निकले और 100 के 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो जाए, ये पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। अपने ही गांव में रोजगार के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। श्रमिक साथी खुद को रिस्किल करे, अपस्किल करे, इस पर विश्वास करते हुए, श्रम शक्ति पे भरोसा करते हुए, गांव के संसाधनों पर भरोसा करते हुए, हम वोकल फॉर लोकल को बल देते हुए, रीस्किल अपस्किल के द्वारा हम हमारे देश की श्रम शक्ति को, हमारे गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। शहर में हमारे जो श्रमिक हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर है, गांव से लोग दूर दूर से शहरों में आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो, रेडी पटरी वाले लोग हो, आज बैंकों से उनको सीधा पैसा देने की योजना चल रही है। लाखों लोगों ने इतने कम समय में, कोरोना के कालखंड में इसका फायदा उठाया है, अब उनको कहीं से ज्यादा ब्याज से खानगी स्तर पर पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक से वो अधिकार से अपने पैसे ले पाएगा। उसी प्रकार से जब शहर में हमारे श्रमिक आते हैं, उनको रहने की अगर अच्छी सुविधा मिल जाए तो उनकी कार्य क्षमता में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहर के अंदर उनके लिए हमने आवास की व्यवस्था की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, ताकि शहर के अंदर जब श्रमिक आएगा तो वो अपने काम के लिए मुक्त मन से, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ पड़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भी सही है
कि विकास की इस यात्रा में भी हमने देखा है जैसे समाज जीवन में कुछ तबके पीछे रह जाते हैं, गरीबी से बाहर निकल नहीं पाते, वैसे राष्ट्र जीवन में भी कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ भूभाग होते हैं, कुछ इलाके होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे लिए संतुलित विकास बहुत आवश्यक है और हमने 110 से ज्यादा आकांक्षी जिले आइडेंटिफाई किए हैं। उन 110 जिले जो एवरेज से भी पीछे हैं उनको राज्य की और राष्ट्र की एवरेज तक ले आना है, सभी पैरामीटर में लेता है। वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, वहां के लोगों को रोजगार के स्थानीय अवसर पैदा हो, और उसके लिए लगातार हमने इन 110 जिले जो हमारी विकास यात्रा में कहीं पीछे छूट गए हैं उनको आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।